क्योंकि हम बाबर आजम की अगर बात करें, पाकिस्तान ने इनफैक्ट पावर प्ले में सबसे कम उनका एवरेज है, या इनकी वो गेम ही नहीं है। अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की टीम में T20 की टीम में जगह नहीं बनती। क्या ये मेरे हार्श वर्ड है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट, उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि वो आज के जमाने के T20 क्रिकेट में वो खेले। मैं वीरेंद्र सहवाग के ऊपर जो बात करना चाहता हूँ, उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। कामरान, योर टेक ऑन दिस? देखिए, सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से, तो बात उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा अग्रेसिव खेलता था। एक क्रिकेट चेंज की है उसने। अभी स्टेटमेंट जो आया है सहवाग का, अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का, तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप के भी दो, तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस कोई नहीं है। जैसे बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीम आती है, तो बिल्कुल फ्लैट सा काम हो जाता है। तो ये एक ऐसा ओपनर है बाबर आजम जिसने T20 क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेली हुई है, तो वो बात करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? आप गालियां दे रहे हो सहवाग को, मां बहन की, सहवाग की जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाके आप उनकी पिक्चर्स के नीचे मां बहन को फैमिली अब्यूज कर रहे हो। मैं तो समझ रहा था शायद थोड़ी बहुत इसमें अकल आ गई होगी, बस वही घमंड, ओ जी पाकिस्तान के खिलाफ 300 कर दियो, भाई तेरे डंडे भी उड़ाए हैं, तू भागा है, नजर आया है, तू शोएब अख्तर से भाग रहा था, नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा है। चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है, पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे हैं, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस। मैं चाहता हूँ उसने जो मैसेज किया है, मतलब घटिया किस्म की बात की है। ज्यादा क्रिकेट खेलने से लाजमी नहीं है जो इंसान की सोच होती है या उसका जो घटियापन होता है वो खत्म हो जाता है। हमने कभी भी इस किस्म की बात नहीं की। उसके बाद हमारे जितने क्रिकेटर्स भी हैं वो सब जब भी कभी मिलते हैं वो सब दोस्ती यारी नजर आती है, मजा आता है। आपने कभी हरभजन को देखा होगा, थकी हुई बात, बेकार सी बात करता है। गौतम गंभीर को आपने देखा होगा, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, वही फजूल बातें करता है। वीरेंद्र सहवाग ने फजूल किस्म की बातें की है। पता नहीं इन लोगों को मतलब किस चीज का घमंड है, पैसे का घमंड है या पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हम तो फिर भी इंडिया के लड़कों को सपोर्ट करते हैं, ये पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, या ये आप लोग समझ लो कि ये मत समझा करो कि जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली उसको वो बस बड़ा सीधा आदमी होता है। इसका मतलब ये है कि जिसने कम क्रिकेट खेली होती उसको भी बहुत कुछ पता था, वो उसमें भी समझ होती है, शायद उसमें ये घटिया पन्ना हो जिस किस्म का सहवाग ने ये बात की है। इंडिया के स्पोर्ट जर्नलिस्ट वीरेंद्र सहवाग ने एक टीवी चैनल पर बैठकर कहा कि अगर पाकिस्तान टीम में कप्तान बाबर आजम नहीं रहते, यानी कि बाबर आजम के पास अगर पाकिस्तान टीम में कैप्टनसी नहीं रहती, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम की टीम में जगह बनती है। उन्होंने इस बात को जस्टिफाई करते हुए बताया कि बाबर आजम जितना ज्यादा टाइम लेते हैं पावर प्ले के अंदर, बाबर आजम वो वाइट प्लेयर है जिसने अपने आप को नंबर वन कहा था, लेकिन एक मरतबा भी पावर प्ले के अंदर स्ट्रॉन्ग हिटिंग नहीं की। बाबर आजम ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आते ही भोंडे लगा दी हूँ, चाहे T20 फॉर्मेट, चाहे ODI फॉर्मेट, चाहे वो टेस्ट। बाबर आजम हर फॉर्मेट के अंदर आने के बाद 3 से 4 सेट होने के रहते हैं, चाहे पिच स्कोर ज्यादा हो या कम हो, बाबर आजम अपने आप को सेट करने के लिए कम से कम 4 ओवर जाया करते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि चाहे जितने भी क्रूशियल मैच हो, बाबर आजम हमेशा अपने आप को एडजस्टमेंट करने के 3 से 4 ओवर लेते हैं, उसके बाद चाहे पाकिस्तान टीम हारे या जीते। शोएब अख्तर का कहना है कि मेरे ख्याल में बाबर आजम सिर्फ टीम में इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो टीम में कैप्टनसी है, अगर वो टीम में कैप्टनसी उनसे ले ली जाए तो हो सकता है कि उनको काफी मैचेस के लिए टीम से ड्रॉप करना पड़े, क्योंकि बाबर आजम वो प्लेयर है जिसने किसी भी बड़े फॉर्मेट में किसी भी बड़े इवेंट में परफॉर्म नहीं किया। बाबर आजम वो प्लेयर जिसने कभी भी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसने कभी भी प्रेशर लेवल में टीम को मैच नहीं जितवाया, चाहे वो ओपनिंग स्टार्ट में खेले, चाहे वन डाउन खेले, चाहे थर्ड डाउन खेले, किसी भी स्टेज पर आके लिए बाबर आजम ने किसी भी सिचुएशन में मुश्किल वक्त में टीम को सपोर्ट नहीं किया। तनवीर अहमद का कहना है कि अगर कोई अपने आप को नंबर वन खिलाड़ी कहता है या अपने टीम में कैप्टनसी है
जो टीम का कैप्टन है तो उसको चाहिए कि अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले, जिस वक्त टीम को जरूरत है वो अटैकिंग क्रिकेट खेले। लेकिन बाबर आजम ने किसी भी सिचुएशन में कोई छोटी टीम के खिलाफ भी हो, हाल पता कोई लोकल सीरीज को, कोई छोटी सीरीज को आयरलैंड के इंडिया के खिलाफ तो कभी भी नहीं पाकिस्तान खेल सकता। लेकिन अगर आयरलैंड के खिलाफ हो, नामीबिया के, नेपाल के, नदर के खिलाफ हो, तो सकता है इन कंडीशन के अंदर कभी कभार बाबर आजम अटैकिंग क्रिकेट खेल लें। लेकिन अदरवाइज जैसे ही कोई बड़ा इवेंट आता है उसके अंदर, जैसे कि आईसीसी का आता है इवेंट, टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी टीम रहती है, उसके अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। रीजन कि आपने देख लिया क्या कैप्टनसी करी है, तो पिछले 5 साल से नहीं नजर आ रही। हाँ तो हटाया था ना, तो नए चेयरमैन साहब ने लगा दिया, तो एक सीरीज के बाद जैसे तो शाहिद को भी तो एक सीरीज से हटाया था। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है, 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी, उनको पता कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं, मुझे पता है पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम, किया कब है, तो फिर हम क्यों ना कहें सहवाग जैसा प्लेयर जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो उससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे, कैसे कैसे उसको छक्के मारने चाहिए, उसको टाइम लिया अपनी शॉटें डेवलप करनी चाहिए थी, पावर हिटिंग करनी। अब 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के हैं टोटल, जो मुझे पता दूसरी टीम दरअसल दूसरी टीम है जब छोटी टीमों से खेलने जाती है, लाइक इंडिया जाएगा जिम्बाब्वे, इंडिया जाएगा नेदरलैंड, इंडिया जाएगा आयरलैंड, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं, हमने आज तक कभी भी नहीं किया। देखिए वो एज अ टीम सोचते हैं, एज अ कंट्री सोचते हैं कि हमने कैसे प्रोग्रेस करनी है, ऊपर लेके जानी, तो इसलिए तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। एक बात है, आप पीएसएल को कंपेयर करें आईपीएल से, वही मैं कह रहा हूं, आईपीएल में जो करंट प्लेयर है वो खेल रहे हैं, पीएसएल का जो स्ट्राइक रेट है ना, आपके रिटायर्ड प्लेयर आते हैं आपके यहाँ, माफी के साथ, जो वहाँ पे बैटिंग का कोच है वो हमारा मेन प्लेयर था यहाँ पे, फर्क है। अभी स्टेटमेंट जो आया है सहवाग का, अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होगा पाकिस्तान का तो शायद के टीम में उसकी जगह भी नहीं होगी। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप, एशिया कप के भी दो, तो कुछ परफॉर्मेंस इनकी है नहीं उस तरह की। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सही है, परफॉर्मेंस कोई नहीं है, जैसे बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ी टीम आती है तो बिल्कुल फ्लैट सा काम हो जाता है। बाकी आयरलैंड के खिलाफ उस दिन चलो जी एंड तक नॉट आउट रहे, इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं रहे, इंडिया के खिलाफ रहना बॉल पे 35-40 गेंदों पे 35-40 करने देना, तो बात किसी हद तक ठीक भी है। और जहाँ तक सहवाग की बात है, उन्होंने जो बात की है कि अगर कप्तान बाबर आजम नहीं रहेगा तो पाकिस्तान की टीम में भी नहीं रहेगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि मोर और लेस अगर आप देखें बाकी कौन से पाकिस्तान की टीम में कोई इतनी ज़्यादा कोई खास बेंच स्ट्रेंथ है, इतने साल हो गए हैं, अब ये क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए कि हाँ जी टी20 में बाबर आजम को खिलाना है कि नहीं खिलाना, ऑटोमेटिक एक चॉइस होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बड़ी टीम्स के खिलाफ बल्ला नहीं बोलता, बल्ला खामोश रहता है, रन्स नहीं उगलते, तो फिर क्वेश्चंस उठते हैं। ये दोनों 128 130 29 के स्ट्राइकर भी फंसे हुए, दुनिया कहाँ चली गई है, तो ऐसा लग रहा है कि वो बेचारे के बस की बात ही नहीं है। पीएसएल में फ्लैट पिचों पे पिंडी शिंडी में चौके छक्के मार मूर के चलो 100 कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल ही एक अनाड़ी सा कोई प्लेयर आ गया जिसको पता ही नहीं है कैसे खेल रहा है, ना कोई एक आधी कोई हल्की सी कोई इनिंग इंग्लैंड में जब टीम फंसी हुई